मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मालकानगिरी जिला में दिन ब दिन किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। दिसंबर में टोकन मिला था जिसके बाद पूरा धान मंडी में लाकर लाद दिया गया था। तब से लेकर अब तक किसानों के धान की खरीदी नहीं की गई। किसान परेशान है। साहूकार बैंक तथा लैंप से ली गई कर्ज चुकाने के लिए धान मंडी में बेचने ले गए, लेकिन अभी तक उनके धान RMC खरीदी नहीं की गई। जिले की तकरीबन सभी मंडियों में यही समस्या पैदा हो रही है। ऐसे में धान मंडी मालकानगिरी जिला मालकानगिरी ब्लॉक मार्कापल्ली एवं पैदावड़ा ग्राम पंचायत से खबर आई है। यह दोनों पंचायत के किसानों ने प्रशासन के अधिकारियों से भी धान मंडी की समस्याओं के बारे में बताया है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधी हुई है। आखिरी में किसान पहुंचे थे शिकायत लेकर दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद DPBP संगठन के पास। बिना वक्त गवाए DPBP के जिला प्रेसिडेंट ललित नारायण माड़कामी एवं केंद्र मीडिया प्रभारी गोविंद मंडल पहुंचे थे मार्कापल्ली धान की मंडी में। यहां जाकर जब किसानों से बातचीत की तो पता चला कि दिसंबर महीने में जो टोकन तथा प्रोग्राम किसानों को दिया गया था उसका धान अभी तक उठाया नहीं गया, लेकिन बाद में दी गई टोकन का धान मंडी में किसान लेकर लाद दिया गया था। अब तक इस मंडी में कुल 3 धान खरीदी की गई है। आज कुल 61 किसानों को टोकन दिया गया है। यहां मंडी के धान खरीदने के टारगेट 2000 क्विंटल है। इस सिलसिले में DPBP के केंद्र मीडिया प्रभारी तथा हमारे संवाददाता गोविंद मंडल कई बार फोन पर CSO से संपर्क कर विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन CSO फोन नहीं उठाते। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर पंचायत चुनाव से पहले मंडी से किसानों के धान को खरीद पर नहीं उठाया गया तो मतदान यानी वोट दर्ज नहीं करेंगे। नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुंचे थे मालकानगिरी जिला के मालकानगिरी ब्लॉक अंतर्गत मार्कापल्ली ग्राम पंचायत के पैदावड़ा धान के मंडी पे। यहाँ पे मंडियों में काफी समस्या पनप रही है। शुरू से ही जैसे मंडी खुली थी यहाँ पे किसानों के जो बहुत समस्या है, टोकन मिली थी दिसंबर में, लेकिन अब तक जो धान उठाया नहीं गया। इसी समस्या को लेकर किसान पहुंचे थे दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के जिला सभापति ललित माड़कामी एवं केंद्र मीडिया प्रभारी गोविंद मंडल के पास। तो यहाँ पे जो किसानों के बुलाने पर यहाँ पे पहुंचे थे दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के जिला सभापति ललित माड़कामी, आइए उनसे रूबरू होते। सर जरा बताइएगा, जिला में तकरीबन हर जगह देखने को मिल रहा है आपके दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के तरफ से, आपके जो जिला सभापति होने के नाते आप खुद एवं मैं खुद जो केंद्र मीडिया प्रभारी होने के नाते जहां भी कोई भी समस्या जो धान की मंडी में पनप रही है किसानों के तरफ से सूचना दी जा रही है और हमारे पास जो किसान पहुंच रहे हैं एप्लीकेशन देके जो उनके समस्या के दूरीकरण करने के लिए। तो यहां पहुंचे सर, आप क्या देखा है यहां पे आने के बाद? बोसी ललित नाय मार्कामी दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद जिला सभापति। तीन दिन तले कलेक्टर सांगे आम डिस्कसन कर धान मंडी समस्या नहीं पुणे कलेक्टर सार आमको अनुरोध करते ना आम निश्चित भाव इलेक्शन पूर्व धान उठेदेव। गत का मार्कापाली पेदावाड़ जो मंडी मत फोन आसला ना सार निधि चाषी आम ये अवस्था अच्छी मसे मसे धान पड़े जिते बर्तमान आज स्पोर्ट आसिक देख लु इट मैं जो टोकन गुड़िक दिखाई मत मसे टोकन आज पर्यटन उठी ना आ मझे मझे पुणे टोकन गुड़िक लेफ्ट जाऊँच ताहले चाषी मत समस्या कि सल्व हो पार्ब तेणुकर मुझ कलेक्टर महोदय को मतलब अनुरोध करुँचा सरकार अनुरोध कर तुरंत ये चाषी मान धान कि मानते इलेक्शन पूर्व उठब जदि न उठब ताल धान गुड़ नहीं सीधा नहीं कलेक्टर अफिस समर्थन रखीदेव। ये समस्या दिनकू दिन उठी जाए बर्तन मैं जोरदार होती तेणु चाषी को सम्मान निहाती देवा दरकार जेहतु से रक्त परिश्रम करके आम खावा आहार दूसरी से आम सम्मान दे पारा ना ताल कि हम जितने आम भोट देवार अधिकार अच्छी ताल जो चाषी धान करें अधिकार ना। हाँ, ये सुने थे मालकानगिरी जिला दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के जो जिला सभापति ललित माड़कामी की जुबानी। इन्होंने बताया कि जो हर मंडियों में काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है, किसानों के समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, चुनाव नज़दीक है। इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि उड़ीसा सरकार से भी अनुरोध किया है कि जल्दी किसानों के जो समस्या के दूरीकरण करें और धान जो है मंडी में जितने जो धान पड़े उनके धान उठाने के लिए, अन्यथा इनके तरफ से एवं किसानों के आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। यहाँ पे मौजूद है इसी जो धान के मंडी में धान दे चुके किसान, आइए उनसे रूबरू होते। सर जरा नाम बताइएगा। मुझे विषय कहूँ जे हमारा प्रकृत
असुविधा होची आमर चाष जी विषय सात तारीख रे कहते सोसाइट धान किणव बोली आम बहुत लोग धान नहीं पकड़ आम जिते चाषी भाई मान अच्छा समस्ते मिसिक एणु से धान 2000 क्विंटाल कहीकि 1352 ने बड़काटा ने एणु आम बहुत असुविधा अच्छु जदि धान उठेबे तो उठेबे जिला प्रशासन हो कि आमर जे कि आमर पंचायत प्रशासन जेकोसी लोक ना भोट बर्जन करू आम भोट देवुना कौन सी नेता कोलाउ कर हाँ ये सुने थे शिव प्रसाद जी जो इसी मंडी में धान दे चुके किसान इन्होंने बताया कि इलेक्शन चुनाव से पहले अगर धान नहीं उठाते प्रशासन के तरफ से तो इन्होंने वोट ना देने की जो चेतावनी दे रखी है। यहाँ पे मौजूद है और एक किसान, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर जरा बताइएगा आपने यहाँ पे धान दिया कब दिया है और क्या पोजीशन है, क्या दिक्कत है आपको, प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत है क्या आपको, बताइएगा। ना हो चैतन्य माध्यमी पेदाड़ा जी पी पेदाड़ा मंडी आम सात तारीख रे पड़ी धान सात तारीख रे नहीं नहाँ तार आज जदि न पड़ो आम टोकन लेफ्ट होगा जाऊँ जदि आज न उठ आम टोकन लेफ्ट हम आहरी आम चाषी मैंने बहुत असुविधा अच्छा इलेक्शन पूर्व धान जदि समस्त उठेबे ना आम पंचायतवासी आम दुटा पंचायतवासी निष्पत्ति नहीं छुजे वोट बर्जन निहाती हम। ये सुने थे और एक किसान, उनके जुबानी इन्होंने बताया कि चुनाव से पहले अगर इनके धान नहीं उठाया जाता तो इनके दो पंचायत के निवासी जो वोटर्स है ये मतदान नहीं करेंगे, ये इनके तरफ से चेतावनी दी गई। यहाँ पे मौजूद है और एक किसान, आइए उनसे रूबरू होते हैं। हाँ जरा बताइएगा क्या क्या समस्या इस मंडी में पनप रही है और किस लिए आपने दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के शरण अपन्न हुई है। श्रीकांत कुमार नायक कहतेड़ा मंडी आमर सात तारीख में धान पड़ी सात तारीख में धान पड़ी 2000 क्विंटाल टार्गेट थी 2000 क्विंटाल टार्गेट रु 1352 क्विंटाल धान नहीं गले आमर टार्गेट ना बोली कहले से धान सेमती पड़ी एवं जाए उठे ना। आप चाहते क्या है जरा बताइएगा, आप चाहते कि अगर धान मंडी में पड़ी हुई है एक महीना पहले का धान अगर नहीं उठाते प्रशासन की तरफ से आप क्या चाहते हैं। नहीं ए जदि आज जदि उठाइबे ना बोले टोकन लाभ से जीव लाभ से जीव से टोकन जदि लाभ से जीव बोले आमे धान बिकी पारिबो नै हेले आमे धान जदि इलेक्शन पूर्वरु न उठे ताहेले आमे दुईटा पंचायतवासी भोट बर्जन करिवु। हां ये सुने थे और एक किसान भाई, उनके जुबानी इन्होंने भी बताया दो पंचायत के धान इसी मंडी में पड़ा हुआ है, टोकन है एक डेढ़ महीना पहले का, शुरू में जब धान की मंडी यहाँ पे खुली थी तब से इनके जो है धान के टोकन मिली थी लेकिन धान मंडी में पड़ा हुआ है अभी तक जो आरएमसी बाबू की तरफ से धान उठाया नहीं गया। तो यहाँ पे मौजूद है और एक किसान बुद्धराम खरा जी, आइए उनसे रूबरू होते हैं। जरा बताइएगा इस जो पेदावड़ा जो मंडी यहाँ धान की मंडी में आप एक किसान के नाते एक धान दिया है, क्या क्या समस्या है यहाँ पे जरा बताइएगा। हाँ सर हमें तो धान चाषी मंडी होती बोले हम सरकार को देवाई तो कष्ट हम धान कर धान आम बिकी पार्न कमी बिक पार्न आसी सर्वे है भी कि धान को आगे एलाउ करना कहीं आम टोकन जाक लेफ्ट बेपारी धान जाऊँगी ना कार धान जाऊँगी ऑरिजिनल चाषी से धान बिकी पार्न। तो ये सुने थे बुद्धराम खरा जी की जुबानी, ये भी एक किसान है, इन्होंने भी बताया कि मतलब धान पड़ा हुआ है मंडी में, इनको टोकन मिला था, टोकन की आज लास्ट डेट है, अगर आज आखिरी तारीख में अगर धान उठाया नहीं जाता है तो इनके जो टोकन लैप्स हो जाएगा, धान इनको वापसी ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे मंडी में काफी समस्या जो पनप रही है इस प्रकार जो है देखने को मिल रहा है। मैं केंद्र मीडिया प्रभारी जो दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं कई मंडी में ऐसे इस प्रकार जो हमारे संगठन के तरफ से हम जो जायजा लिया है मंडी में तकरीबन देखते किस प्रकार मंडी पे धान लाता हुआ, यहाँ किसान भी खड़े हैं, आप देखिए जरा किसान कितने संख्या पे हमें मौजूद है, सबके कोई ना कोई समस्या यहाँ पे है। समस्या ये है टोकन की आज आखिरी तारीख है, आज के डेट में अगर धान उठाया नहीं जाता है तो ये किसान मतलब बहुत परेशानी में गुजरेंगे। इनका कहना है बैंक साहूकार
या लैंप से इन्होंने कर्जा लेकर खेती बाड़ी किया है, धान का फसल जो करके यहाँ पे मंडी में इकट्ठे कर रखा है। यहाँ पे धान बेचने के बाद साहूकार बैंक का कर्जा चुकाएंगे, उसके बाद लड़के लड़कियां के शादी ब्याह भी करेंगे, ये जो इनके तरफ से कहा जा रहा है। अब देखने को बाकी है दंडकर्ण पर्वतमाला विकास परिषद हर कई समस्या के लिए जो कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो इनके संगठन के तरफ से वहाँ पहुँच जाते हैं समस्या के दूरीकरण करने के लिए। आज यहाँ पे ललित माड़े कमी जी पहुंचे थे, उनके साथ मीडिया प्रभारी गोविंद मंडल भी हम पहुंचे थे यहाँ पे। तो यहाँ से जाने के बाद इनके तरफ से एक लिखित दरखास्त दी जाएगी यहाँ सीएसओ एवं कलेक्टर से, इसके बारे में सूचना देने के बाद क्या पदक्षेप लेते देखने को बाकी रहा। उड़ीसा मलकानगिरी जिला मलकानगिरी ब्लॉक के मरकापल्ली ग्राम पंचायत के पेदावड़ा धान की मंडी से, मलकानगिरी जिला मरकापल्ली धान की मंडी से ओडिशा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।